Hello everyone, welcome to Idol's podcast Unleashing Experiences. Welcome to the new episode. Uh, so in today's episode, mein we have our uh, next student, uh, Harsha Shah from Mumbai. Uh, Harsha, she is a talented dancer and she has been teaching for the past seven years. And she dance trained in train dance forms, and here, for example, Bollywood, Hip-Hop, even Gymnastics. एंड उन्होंने uh, उनकी टीम के साथ इंटरनेशनल आई गेस साउथ कोरिया वहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया था इंडिया को स्टार्ट आई गेस वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर हर सो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट टू नो हर यू नो लेट्स गेट टू लिसन टू हर एक्सपीरियंसेस ऑफ इंस्टाग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे यू you नो know, uh, उनका एक्सपीरियंस था क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखा क्या क्या ग्रोथ उन्होंने खुद पे देखा है आफ्टर कंप्लीटिंग वन मंथ ऑफ नो ट्रेनिंग एज वेल एज़ वन मंथ ऑफ इंटर्नशिप so uh, let's start the session uh, hi harsha hello sir thank you so much for this introduction <laughs> and uh, harsha uh, thank you for being part of this podcast first of all so uh, pehle तो, uh, to start karne se pehle main thoda uh, aapke bare mein janna chahunga hello जैसे कि थोड़ा बहुत ऑफिस मैंने इंट्रोडक्शन दिया लेकिन फिर भी हाँ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा वो सब चीज़ों के बारे में स्पेशली वो एक uh, वो एक अचीवमेंट आपका जो आपने साउथ कोरिया में किया है हाँ वो तो एक थोड़ा सा सम्रा, समराइज में आप बता सकते हैं हमें ओके okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं बचपन से डांस कर रही हूँ लाइक जब टू इयर्स की थी तब से तो लाइक मैं नर्सरी या स्कूल से पहले मैं डांस क्लास में गई हूँ तो तब से पेरेंट्स मुझे इनक्रेज करते आए हैं डांसिंग के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की लेकिन ऐसे हो गया कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आने के बाद चलो अभी नेक्स्ट ईयर टेंथ है तो डांस क्लासेस बंद करना है तो वो सीन हो गया कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम से तो डांस क्लासेस नहीं जाना है मैंने बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया कि अब बचपन से करते आ रहे हैं लाइक इट्स माई डेली हैबिट तो अभी कैसे बंद चलो ठीक है लेकिन पेरेंट्स इतना बोल रहे तो बंद किया मैंने फिर इलेवेंथ आया फिर ट्वेल्थ आया तो ऐसे वो बढ़ता गया एक फ़ेज़ जो इसमें मेरा डांसिंग रुक गया लेकिन फिर जाके ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे फिर से करना है मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूँ तो मैंने फिर से स्टार्ट किया तो वहाँ पे जब मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और उन जो सर थे उन्होंने मुझमें ग्रोथ देखा तो वो ऑलरेडी एक टीम बना रहे थे इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जो पहले अगर नेशनल में हमें परफॉर्म करना था तो वहाँ पे हमारा इंडिया में ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक आया फिर हमें चांस मिला साउथ कोरिया जाने का तो वहाँ पे हमारा एक्चुअली फोर्थ रैंक आया लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है तो वैसे किधर मतलब पता नहीं चला लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइक एक टीम के साथ रहने का भी और इंटरनेशनली खुद के कंट्री को रिप्रजेंट करना वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि लोग आपको उस तरीके से देखते मतलब हम लोग अपने कंट्री को रिप्रजेंट कर रहे हैं तो पूरा हमारे पीछे रहता है कि इंडिया कैसा रहेगा तो तभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि कैसे बिहेव करना है या कैसे शोकेस सॉरी <coughs> कि कैसे शोकेस करना है अपना टैलेंट तो एक बहुत अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस था लाइक बहुत लाइफ का बहुत अच्छा भी एक्सपीरियंस उसमें था और सबसे बुरा भी एक्सपीरियंस उसमें था मैं अभी भी जब भी कोई डिफिकल्टी से गुजरती हूँ या कोई बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद करनी रहती है मैं उसी मोमेंट में जाना पसंद करती हूँ दैट ग्रेट अर्षा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ये चीज़ एक्सपीरियंस के बारे में सुनने के लिए कैसे आपको ऑपरचुनिटी मिला एंड uh, कैसे आपकी टीम मेम्बर्स के साथ आपने नो you इंडिया know, को रिप्रजेंट किया साउथ कोरिया में एंड हाँ. आपने जैसे बताया कि बचपन से आपका वो एक पैशन है डांस करने एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके मॉम डैड ने आपको हमेशा इनक्रेज किया है दैट इज़ पहले तो बहुत रेयर होता था ऐसे मोमेंट लेकिन अभी भी है uh, लेकिन uh, फॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स आजकल सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने है नो बच्चों को स्पेशली पीपल हुआ वो आर लुकिंग टू मेक अ करियर इन डांस एंड यू आर ब्लेस्ड दैट कि आपको बचपन से वो एक सपोर्ट मिला है आपके <laughs> पेरेंट्स से सो हर्षा कमिंग बैक टू आर ट्रेनिंग मोड ओके आप ऑलरेडी आइडल्स सीख रहे थे ऑनलाइन पिछले एक साल से एंड जब ही आपको पता चला कि आइडल्स इज गोइंग ऑफलाइन एज वेल है नो और हम हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर रहे थे आउट ऑफ विच उसमें से एक हमारा कोर्स है प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम सो वॉट मेड यू जॉइन दैट कोर्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि मुझे आपसे बहुत टाइम से सीखना था वो चांस मिला नहीं था मुझे तो इसलिए मैं क्योंकि uh, मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज़ uh, जो सुने थे कि ऐसे कि शिजन सब बहुत अच्छा सिखाते लेकिन मुझे कभी चांस नहीं मिला था तो मैं सोच रही थी कभी अगर ऑफलाइन रहेगा तो जाऊंगी और उसमें जब भी आपने पोस्ट डाला कि ऑफलाइन होने वाला है और इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइसेंस प्रोग्राम है तो वो बहुत नई चीज़ लगी कि जैसे उस मतलब हमें प्रोफेशनली डांस को कहीं रिप्रेजेंट करना है मतलब कि बताना है कहीं कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं तो एक प्रूफ है वो तो अगर हमें कहीं जॉब करना है या फिर uh, मतलब कुछ भी मतलब हमारी लाइबिलिटी बतानी है तो उसके लिए वो बहुत यूज़फुल होगा तो उस वजह से मैंने सोचा कि बहुत अलग चीज़ है ये करना ही चाहिए जो आगे बहुत यूजफुल होगा और ये नई चीज़ है दैट्स ग्रेट एंड जैसे कि आपने अभी वन मंथ ट्रेनिंग परस्यू किया था तो वन मंथ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नो आप बता सकते हो कि ऑब्वियसली uh, आपने एक विजन uh, से ज्वाइन किया था ये चीज़ क्योंकि आपको भी आगे आके प्रोफेशनल टीचर बनना है आप ऑलरेडी ट्रेन कर करें लेकिन आपको कैसे और कैसे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो सो बिफोर ज्वाइन द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स यू नो वो इम्प्रूवमेंट तो मैं बाद में पूछूंगा आपसे लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है था है वो वन मंथ ट्रेनिंग एंड ऑल्सो वन मंथ इंटर्नशिप कैसा आपने यू uh, नो you know, uh, आपका रिव्यूज़ क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था एक्चुअली मैंने शॉर्ट में सिर्फ कोर्स पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है लेकिन जब ही कोर्स स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और आपके एफर्ट्स भी सर इट्स लाइक like, <laughs> बहुत ज़्यादा थे तो मतलब बहुत अच्छा लगा लाइक वन एंड वन या वन एंड हाफ आवर का क्लास था आपने ऑलमोस्ट उसको डबल या ट्रिपल कर दिया आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए हमारे पीछे और वो मतलब ऐसे दिख क्या आ रहा है हमें कि आपने बहुत सारी चीज़ें किए हैं और वो अभी हमें हम लोग उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं अभी तो जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए या फिर मार्केटिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डांसर्स को पता ही नहीं रहता है कि कैसे वो लोग खुद को आगे लेके जाए सब लोग सिर्फ इतना सोचते हैं या फिर बैकग्राउंड डांसर बनना है या फिर खुद का डांस क्लास खोलना है बाकी कोई चीज़ें की आइडिया नहीं रहती सबको तो आपने वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें बताया कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है तो बहुत वाइड नॉलेज मिला है दैट्स ग्रेट हर्षा थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स वेल एंड एक चीज़ मैं जानना चाहूंगा कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले एंड कोर्स कम्प्लीट होने के बाद you know, mm -hmm. आप

तो लाइक वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो हमें समझा है डांस फील्ड के रिलेटेड उसमें भी कम्युनिकेशन रिलेटेड भी कॉन्फिडेंस रिलेटेड भी है जैसे तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें ग्रोथ हुआ है ऐसा क्या क्या स्किल्स आपके इम्प्रूव हुए ना डेवलप हुए जो आपको लगता है हाँ मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ मतलब मैं और बहुत कुछ कर सकती हूँ डांस में एक्सप्लोर करने के लिए हाँ सबसे पहले तो मुझे कंटेंट मेकिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था मतलब मैं कभी कभी ऐसे कंटेंट पढ़ती थी लेकिन कैसे लिखते हैं क्या सोचते हैं क्यों बनाते हैं ऐसे कुछ भी पता नहीं था तो यहाँ पे आने के बाद मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और मैंने भी बहुत सारे कंटेंट बनाए आइडियाज़ पर आते गए वैसे तो अभी मतलब माइंड ओपन अप हुआ है कि कैसे इसमें भी काम कर सकते हैं डांस को लेके तो वे एक चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व किया इंटर्नशिप में कैसे आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे यू नो कंटेंट आइडियाज़ में कैसे आपने यू नो शॉर्ट रील कंटेंट बनाया आपने ब्लॉग्स के लिए भी अपने कंटेंट बनाया सो दैट इज़ वन थिंग यू नो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका एफ़र्ट्स उस डायरेक्शन में एंड आप काफ़ी डेडिकेटेडली वर्क करते थे कुछ भी हो uh, आप ना टाइम टू टाइम मुझे वो चीज़ों का अभी भी आप वो टाइम टू टाइम मुझे वो चीज़ों को अपडेट करते हैं हाँ. तो एक uh, आपका यू नो वर्किंग एथिक्स काफ़ी अच्छा है कि आप काफ़ी डेडिकेटेड हो उस चीज़ पे एंड प्लस uh, जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट मेकिंग इज़ वन ऑफ देम एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ ओके okay, mm. पहले से ज़्यादा सो so ये एक चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा यू नो यू नो आप में ये ग्रोथ देखते हुए एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दी मॉक सेशन ट्रेनिंग एज वेल आप ही कुछ अलग अलग ट्राई कर दे यू नो गरबा का ट्रेनिंग वो सब चीज़ें आपने डिफरेंट ड्रेस एक्सप्लोर किया दैट्स रियली अमेजिंग ओके okay, कि आप खुद को कैसे चैलेंज कर रहे हो नो और आ, खुद को कैसे वो चैलेंजेस खुद से क्रिएट कर रहे हो खुद का स्किल सेट को बढ़ाने के लिए खुद का ग्रोथ करने के लिए तो एक एफर्ट्स आपने खुद से डाला तो दैट्स रियली अप्रिशिएबल एंड आइडल्स कैसे आपको हेल्प किया है वो सब चीज़ें जैसे आपने बताया नो दैट्स रियली वंडरफुल एंड मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि uh, जैसे कि आपने कहा कि ये सब चीज़ों के बारे में एंड uh, ऐसा क्या डिफरेंस है नो आप देख रहे हो आइडल्स में लाइक आर विज़न इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी डांस एजुकेशन राइट एंड उसी विज़न के साथ आप भी जुड़े हुए हो okay? ओके तो ऐसा क्या डिफरेंस आपने देखा हमारे वे ऑफ टीचिंग में हमारे वे ऑफ कंडक्टिंग द क्लासेस में एज़ कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स है नो एंड क्या वो एक चीज़ बता सकते हो आप ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डांसिंग वाइज देखा जाए तो आपने बताया कि कैसे हम लोग अगर डांस का कहीं से नॉलेज ले रहे हैं तो कैसे उसे कंफर्म करें कि ये सही है या नहीं है कैसे हम लोग खुद अश्योर हो कि हम लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं वो हम लोग सही सीख रहे हैं अगर नहीं तो कैसे फाइंड आउट करे कि हम लोग कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो फिर uh, डांसिंग तो अगर ठीक है हम लोग कर लेते हैं लेकिन उसके आगे क्या करना है वो चीज़ें नहीं पता थी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें पता चली सॉरी uh, so, क्या आप फिर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं भूल गई uh, मेरा सवाल यही था कि आप क्या ऐसे डिफरेंस नो uh, देख पा रहे हो uh, हमारे कोर्सेज में हमारे वे ऑफ टीचिंग में एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट तो वही uh, डांसिंग तो अभी बहुत सारे डांस क्लासेस सिखाते हैं लेकिन आपने बहुत सारी नई चीज़ें लेके आई है डांसर्स के परस्पेक्टिव से जो उनको आगे सिर्फ डांसिंग सीखने के बाद हेल्पफुल होगी क्योंकि आ, डांस करने में और सिखाने में बहुत फ़र्क होता है तो वैसे ही अगर कोई ग्रेजुएट हो जाता है ज़रूरी नहीं कि वो टीचर बन जाए वो सिखाने के भी टेक्निक्स रहते हैं तो शायद इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम अभी कहीं लैक करता है लेकिन जैसे आप डांस में ये नई चीज़ लेके आए वैसे हर कोई ऐसे प्रोफेशनली हर चीज़ लेके आए तो आ, सबका सबको बहुत अच्छे से सीखने भी मिलेगा और उस फील्ड का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा

फ़र्स्ट टाइम मैंने डांस रिलेटेड इंटर्नशिप किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने मिली कि कैसे डांस रिलेटेड हम लोग काम कर सकते हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो मतलब सिर्फ डांस क्लास में सिखाना वो यही एक लिमिटेड ऑप्शन नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे आ, हम लोग खुद का बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं कैसे हम लोग ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड के कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमारे स्किल्स अच्छे हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई है सोशल मीडिया की भी खुद के डांसिंग स्किल्स की भी तो ऐसे बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है एंड आपका अगला कदम क्या रहने वाला लाइक आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस आफ्टर मोनो हमारा एग्जामिनेशन भी होने वाला है hmm. लाइसेंसिंग का उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है लाइक वॉट यू इंटेंड टू अचीव इट ओके लाइसेंसिंग के बाद मोस्टली मैं ट्राई करूँगी अभी कोई जॉब के लिए या और उसके साथ साथ अपने डांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँगी उसके आगे चलते एक्चुअली मैंने और और भी कुछ फील्ड्स में काम कर रही हूँ तो मुझे पैरेलली डांसिंग को वैसे रखना है तो मैंने अभी तक सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से ही सोचा है माइट भी आगे जाके बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है लेकिन अब भी फिलहाल जॉब पर्सपेक्टिव से आई होप हर्ष आप जो भी चीज़ें प्लान कर रहे हो uh, जॉब के लिए या फिर आगे आगे खुद का सेटअप करने के लिए उसमें आप सक्सेस हो एंड आइडल्स हमेशा नो uh, आपके साथ जुड़ा रहेगा सपोर्ट के लिए वी विल हेल्प नो इन मेकिंग दोज थिंग्स नो लाइक ऐसा नहीं बोल सकती हम लोग एकदम आपको करके देंगे वैसा <laughs> चीज़ों का लेकिन जितना हो सके हमारे साइड से एक कोशिश रहेगा कि आपको हेल्प कर सके वो सब चीज़ें सेटअप से करके देने के लिए ओके <laughs> सो okay. so, एक हमारा गाइडेंस हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज आपके जो भी ड्रीम्स है आपके जो भी विजन है आई होप आप मेहनत करें एंड वो चीज़ें अचीव करें एंड जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज़ थैंक यू सो मच सर एंड इट वॉज माई प्लेजर फॉर दिस पॉडकास्ट क्योंकि हमेशा पॉडकास्ट जब सुनते थे आइडल्स के तो ऐसे होता था इंस्ट्रक्टर्स लोगों के पॉडकास्ट हैं कभी यहाँ पर जाने मिलेगा क्या mm -hmm. <laughs> क्या मैंने बहुत पहले सोचा था फर्स्ट पॉडकास्ट सुना था तब एंड लिटरली यहाँ पर फर्स्ट कोर्स अटेंड करने के बाद में आज मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉडकास्ट कर रही हूँ हाँ लेकिन वो आज ओ स्टूडेंट है लेकिन फिर भी इट्स गुड थिंग Uh, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरे स्टूडेंट्स के साथ मुझे ये चीज़ें करने में मैं टाइम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ कर रहा था सो दिस टाइम आई थॉट लाइक वाई नॉट जिन्होंने हमारा फर्स्ट बैच यू नो अटेंड किया इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का तो उनके साथ क्यों ना करूँ सो दैट अ रीजन आई यू नो केम अप विद दिस थिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एवरी थिंग बहुत अच्छा लगा सुन के एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच सर mm <laughs>